नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। यहां पर आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन फोर फाइंड, यह एक्सरसाइज 2.4 का लिया क्लास 7 से। और देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहां पर, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन को मैंने पहले से लिखा है और इसको करना शुरू करते हैं। बहुत इजी है, देखिए मैंने कई बार बताया है जब भी हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं, हमें उसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करके उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो 2/5 डिवाइड 1/2, यहाँ पर ये नंबर लिखा है, आइए इसको कर लेते हैं आगे 2/5। और यहाँ पर बच्चों डिवाइड के साइन को हमें करना होगा मल्टीप्लाई में चेंज, और जब मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो नेक्स्ट नंबर का जो होता है, जो नेक्स्ट नंबर होता है उस नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 2/1 इस तरीके से। आइए करते हैं, 2 2 × 2, न्यूमेटर को न्यूमेटर से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, ये आपका आंसर आ गया। हम इसको मिक्स नंबर में नहीं लिख सकते क्योंकि न्यूमेटर स्मॉलर है। आइए सेकंड पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट था तो सेकंड पार्ट 4/9 डिवाइड 2/3। यहाँ पर भी बच्चों देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट नंबर को यू क्यों लिखेंगे और डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और नेक्स्ट नंबर का आपको रेसिप्रोकल कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए तो न्यूमेटर से डिनोमेटर डिवाइड हो रहे हैं तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, यहाँ पर ये देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 2 × 1, तो 2 × 1 2 और 3 × 1 3 1 जा 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए थर्ड पार्ट में कर लेते हैं, थर्ड पार्ट को भी यहाँ पर लिखा 3/7 और डिवाइड 8/7। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया, आइए 3/7 और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है। यहाँ से 7 से 7 डिवाइड हो गया, हमारे पास 3/8 बचा, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप बने रहें मेरे चैनल पर और देखिए हम लास्ट सॉरी फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है 2 1/3 डिवाइड 3/5। अब हमें करना क्या होगा, पहले इसको मिक्स नंबर सॉरी मिक्स नंबर में लिखा है, इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आइए चेंज कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7/3 और डिवाइड 3/5। ठीक है बच्चों, आइए इसको आगे कर लेते हैं, 7/3 डिवाइड के साइन को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और जब मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है आपको इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर तो 7 5 जा 35 हो गया और 3 3 जा 9 आ गया यहाँ पर। अब आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं क्योंकि जो न्यूमेटर है वो ग्रेटर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए मिक्स नंबर में लिख लेते हैं 9 से डिवाइड करके, तो 9 3 जा 27 यहाँ पर, तो 8 आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 3 8/9। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। आइए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट हम कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में लिखा है 3 1/2 डिवाइड 8/3, ऐसे सबसे पहले इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6 और 1 7, 7/2 और डिवाइड 8/3 यहाँ पर, आइए इसको आगे कर लेते हैं, 7/2 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है। तो 7 3 जा 21 और 8 2 जा 16। ठीक है बच्चों, अब आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरेटर ग्रेटर आ रहा है, तो 1 और यहाँ पर आ गया 16। ठीक है बच्चों, 16 1 जा 16 और 5 होते हैं 21, तो यहाँ पर आप इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। आइए सिक्स पार्ट कर लेते हैं, सिक्स पार्ट में लिया 2/5 और डिवाइड 1 1/2, यहाँ पर पहले जो लास्ट में मिक्स नंबर लिखा ना इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 2/5 और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में ही रखें अभी, क्योंकि अभी हम इस मिक्स नंबर को चेंज कर रहे हैं, तो 2 1 जा 2 और 1 3 3/2 यहाँ पर, आइए अब करते हैं इसको, 2/5 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और नेक्स्ट नंबर का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। हम इसको मिक्स नंबर में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमेरेटर स्मॉलर आ रहा है। आइए सिक्स पार्ट कर लेते हैं, सिक्स पार्ट में लिखा है यहाँ पर बच्चों हाँ सॉरी सेवन पार्ट कर लेते हैं, सेवन
थ्री 1/5 / 1/2/3। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या मिक्स नंबर है, पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 5 3 15 और 1 16, 16/5 / 3 1 3 और 2 5 5/3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आइए आगे कर लेते हैं। 16/5 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया। आप 16 3 होता 48 और यहाँ पर 25। अब हम इसको चाहे तो मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, आपको सिर्फ डिवाइड करना है 25 से, 25 5 25 और यहाँ पर इनको माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों, ये आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 1, ये होल नंबर के फॉर्म में आएगा 23/25 इस तरीके से। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8। यहाँ पर लास्ट पार्ट है ये, तो 2 1/5 / 1 1/5। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 5 2 10 और 1 11/5 और डिवाइड के साइन को किया मल्टी, सॉरी डिवाइड में रखे अभी, और 5 1 5 और 1 6 6/5। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने। आप करना है आपको तो 11/5 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और नेक्स्ट नंबर को आपने रेसिप्रोकल कर दिया इस तरीके से। तो 5 से 5 डिवाइड हो रहा तो 11/6 और यहाँ पर 11/6 को आपको होल नंबर में चेंज करना है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 6 6 1 6 और यहाँ पर 11 है तो 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।